बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ द मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास सिक्स। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 4.3। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन, राइट द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड पार्ट ऑफ ईच फिगर। अब हमने इन क्वेश्चन की जो है ना वो परसेंटेज लिखनी है, ठीक है, और ये कलर्ड पार्ट की लिखनी है, ठीक है। अगर ये आपको तो ये इधर तक जो है ना ये इसके कलर्ड पार्ट हैं, ठीक है। इसको हम काउंट कर लेंगे, ये वन से स्टार्ट हो रहा है ये पूरे बॉक्स। ये हमारे पास 10, 20 और ये 7, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये हमारे पास टोटल बॉक्स हैं 33, ठीक है। इसकी फाइंड करने के लिए इसको 33 और टोटल बॉक्स कितने हैं हमारे पास 100, ठीक है। जब भी किसी चीज़ की परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो है ना ये इसकी परसेंटेज कितनी हो गई 33%, ठीक। स्टूडेंट्स, इस 100 ने इसको कैंसिल आउट कर दिया। देखिए ये जो 33 है, जो नीचे परसेंट लगा हुआ ना उसका भी यही मतलब है, ये 100। ये अगर हम परसेंट का साइन ख़त्म करते हैं तो हम ये जो नीचे है ना वो 33 लगाते हैं, ठीक। ये हो गया। अब ये नेक्स्ट आ गए पार्ट नंबर टू, इसको हम काउंट कर लें, ठीक है। 10, ये 10, ये 20, ये 26 और 26 में 4 ऐड किए 30। ये है हमारे पास 30/100, ठीक है। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 30%, ठीक। स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकंड में आ गए हमारे पास 30%। नाउ स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट ये देखें, ये हमारे पास है 2। टोटल कितनी है ये 2 और इसमें से कलर्ड कितना 1, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आया 1/2, ठीक है। इसकी हमने परसेंटेज लिखनी है, इट्स मीन्स कि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया 2 1 2 एंड 2 50, ठीक। ये हमारे पास आ गया 50%, ठीक। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू, राइट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब इस परसेंटेज को जो है ना हमने फ्रैक्शन में लिखना है, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी करनी है, ठीक। ये जब हम परसेंटेज का साइन फिनिश करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 100, ठीक। इसको हमने सिंप्लीफाइड किया, 25 के टेबल में आता है 125 एंड दिस इज 4 टाइम्स, ठीक। एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर वन। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट, ये इधर आ गया 20/100, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल और फिर हम इसको मल्टीप्लाई 2 1 2 एंड 2 5 टाइम्स, वी गेट 1/5, ठीक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया थर्ड पार्ट 84, ठीक है। 84/100, इसको भी अब जो है ना ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 54 एंड 2, ठीक है। ये 2 1 एंड 25, ठीक है। फिर ये अगेन 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 2 2s are 4 and 2 1 times 2 and 25 times, ठीक फ्रेंड्स। एंड दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट 34/100, ठीक। अब ये भी 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। इसको कैंसिल कर लें, 2 1 times 2 1 आगे कैरी चले गया, 17 and 2 50 times, ठीक है। 17/50, ठीक। स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। एंड फिफ्थ पार्ट 93% खत्म किया 100। ये फर्दर नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, सिंप्लीफाइड नहीं होता, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉल्व द फॉलोइंग। इनको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। ये परसेंटेज का हम ये साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इधर 100 आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया 8%, ठीक। नेक्स्ट पार्ट नंबर टू में 15% का साइन खत्म किया 100 मल्टीप्लाई बाय 60, ये से कैंसिल। अब ये 2 के टेबल में 2 3 times 6 and 2 5 times 10, 5 1 times 5 5 3 times 15, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वो गेट 9 liters, इसका आंसर आ गया, ठीक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया थर्ड पार्ट, इधर आ गया 35/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 160, ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक। ये 2 5 times and 8 times, 5 1 times 5, 5 7 times 35
और 8 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 56. नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, 80 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 900. ठीक, ये परसेंटेज का 100 और ये मल्टीप्लाई 900, ये जीरो दोनों इससे कैंसिल हो गए. अब हम जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 09 टाइम्स 0 और 98 टाइम 72. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, 49 टाइम्स 36 एंड 37 ओवर 4, और ये परसेंटेज का खत्म हुआ साइन, तो ये 100, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 1000, ये जीरो के साथ ये कैंसिल. अब ये 2 के टेबल पे 2 टू 5 टाइम्स. ठीक, अब ये फर्दर जो है ना ये नहीं कैंसिल हो रहे, अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे. 37 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 75 से 35 185. अब 185 को आपने 2 पे डिवाइड करना है. ठीक है, नीचे 2 है. ठीक है, लिख लें 185 डिवाइडेड बाय 2, टू 9 टाइम्स 18 एंड 5 टू 2 टाइम्स 4 पॉइंट लगा 0 एंड टू 5 टाइम्स 10. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास इधर आंसर आ गया 92.5. ठीक, एंड दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट. पार्ट नंबर 6, 83 टाइम्स 24, 25, 26, 27. ठीक है, 27 ओवर 8 एंड दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज, इसको हम 100 में चेंज कर देंगे. ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 100 और ये साइन मल्टीप्लाई में चेंज ऑफ का चेंज हो गया, ये इधर 80 आ गया. ठीक फ्रेंड्स, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल, और इसको सॉल्व किया हमारे पास 2.7 आ गया. ठीक है, नीचे जितने जीरो ऊपर जब डिवाइड होता है तो उतने डिजिट्स के बाद जीरो पॉइंट लग जाता है. ठीक है, ये 10 है, 1 डिजिट के बाद जो है ना वो पॉइंट लग गया 2.7. ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड भी करके देख लें तो यही आंसर आएगा. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 7, ये इधर आ गया 9.8 के ये परसेंटेज का साइन फिनिश हुआ, नीचे 100 और मल्टीप्लाई बाय 80. ठीक है, ये हमने साइन इसका ख़त्म किया, नीचे आ गया 110, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, उसके बाद जो है ना हम 98 को जो है ना वो 8 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे. 88 टाइम्स 64, 46. ठीक है, 98 टाइम्स 72 में हमने 6 प्लस किए, वी गेट 98 टाइम्स 72 में हमने 6 प्लस किए, वी गेट 78. ठीक, ये हमारे पास आ गया 784 ओवर 100. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 784 ओवर 100. अब ये 100 जो है ना इसका पॉइंट, ये जीरो दो डिजिट्स के बाद पॉइंट आता है, दो डिजिट्स. जी स्टूडेंट्स, ये 100 के साथ दो जीरो हैं तो ये दो डिजिट्स के साथ जो है ना वो पॉइंट लग जाएगा. ठीक है, 7.84. ठीक, एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 7. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8, 8.9, ये आपने परसेंटेज का साइन ख़त्म हुआ, 100 लगा मल्टीप्लाई बाय 900. ठीक स्टूडेंट्स, ये साइन ख़त्म हुआ, वी गेट 10 देयर, ये 10 आ गया, अब इसके जीरो कैंसिल होंगे, ये इससे कैंसिल हुए, ये इधर हमारे पास आ गया. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 89 को जो है ना वो हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 99 टाइम्स 81, 1 एंड 8, 98 टाइम्स 72 में जो है ना वो हमने 8 प्लस किए, वी गेट 801 ओवर 10. ये एक डिजिट के पास पॉइंट लग जाएगा, हमारे पास आ गया 80.1 आंसर. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट नंबर 8 इज सॉल्व्ड एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज डन. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, निम्रा ऑब्टेन 125 मार्क्स आउट ऑफ 250, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ऑफ निम्रा.
ठीक है, अब इधर जो है ना उसके टोटल मार्क्स हैं। टू फिफ्टी और ऑब्टेन्ड मार्क्स है 125। ठीक है, टोटल मार्क्स उसके 250 और ऑब्टेन्ड मार्क्स है 125। ठीक, अब हमने जो है ना इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके भी जो एग्जाम्स होते हैं ना, आपकी भी परसेंटेज ऐसे ही फाइंड की जाती है। ठीक है, जिसमें से टोटल में से जो मार्क्स आपके आए होते हैं ऑब्टेन मार्क्स में से टोटल में से उसको डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 100 से। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, इसमें जो हमारी परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला है, जो ऑब्टेन मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इससे जो है ना वो हो जाता है, ये हो गया 25 5 टाइम्स, और इसको जो है ना हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 50%। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। देर आर 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। ठीक है, अब 400 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से जो है ना वो 30% लेफ्ट है, और उन्होंने पूछा कि जो है ना बताएं कितने राइट हैंडेड हैं। ठीक है, पहले हम ये परसेंटेज को जो है ना वो स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करेंगे कि कितने लेफ्ट हैंडेड हैं, ये करके फिर जो है ना वो हम राइट हैंडेड भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, ये हमारे पास आ गया टोटल स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 400, और परसेंटेज ऑफ लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारे पास है 30%। ठीक, ये हमारे पास आ गई 30%। अब ये इसकी जो है ना हमने लेफ्ट हैंड जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक, ये इस तरह फाइंड आउट होंगे, लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट, ये 30% को हम जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये 30 का परसेंटेज का साइन फिनिश हो तो ये हमारे पास आ जाता है 100। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, इससे कैंसिल, 4 3 टाइम्स 12, वी गेट 120 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके पास आ गए 120 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद आगे राइट हैंडेड स्टूडेंट, ठीक है, राइट हैंडेड स्टूडेंट जो है ना वो आपके पास है 400। 400 में से जो है ना वो आपने माइनस किए 120, ये आपके पास आ गए 0। 10 में से 2 माइनस किए, वी गेट 8, एंड 4 में से 1 माइनस किए, 3 रह गया पीछे, 3 में से 1 माइनस किए, वी गेट 2, ये मेरे पास आ गए 280। ठीक है, और यही आपने फाइंड आउट करने थे राइट हैंडेड स्टूडेंट। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट फाइंड आउट किए, और उससे जो है ना आपने राइट हैंडेड स्टूडेंट फाइंड कर लिए। ठीक स्टूडेंट्स, ये आ गया 280 स्टूडेंट्स। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। 65% ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन, इफ देर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल देन फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। ठीक है, ये इधर आ गए स्टूडेंट्स कम फ्रॉम मॉडल टाउन। ठीक है, कम्स फ्रॉम मॉडल टाउन, ये इन्होंने बताए बताए कितने हैं, 65%। ठीक है, 65 है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो है 1500। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 1500। ठीक है, 1500, अब जो है ना ये 65% में दिया गया हुआ है, इसको जो है ना आपने उसमें चेंज कर लेना है, नंबर्स में चेंज कर लेना है। ठीक है, वही 65 को जो है ना वो परसेंटेज को हमने 1500 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, स्टूडेंट्स कम फ्रॉम मॉडल टाउन, ये 65% परसेंट का 100 साइन खत्म, ये 100 आ गया, और ये 1500 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 65 को जो है ना वो आपने 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, 5 5 टाइम 25, 2 6 5 टाइम्स 30, 31 एंड 32,
5 and 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, ये आपके पास आ गया 975। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं कम फ्रॉम मॉडल टोन। अब नॉट कम फ्रॉम मॉडल टोन वो 1500 में से आपने माइनस कर देना है सिंपली। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट कम्स फ्रॉम मॉडल टाउन। ठीक है, ये हमने जो है ना 1500 माइनस 975, ठीक है, ये आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 5, 9 में से 7 माइनस किए 2 एंड 14 में से हमने 9 माइनस किए वी गेट 5। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया 525 स्टूडेंट्स। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 7, योर मैथमेटिक्स क्लास इज ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन, इफ योर टीचर स्पेंड 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट सम मैथमेटिकल एक्टिविटी, फाइंड द परसेंटेज फाइंड करनी है टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, जो कि टाइम स्पेंड हो रहा है कॉपी वर्क के ऊपर उसकी, और टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, और जो मैथमेटिकल एक्टिविटी हो रही है उसके। जी स्टूडेंट्स, ये पहले हम पार्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इधर हमारे पास जो है ना वो क्लास ड्यूरेशन है, ठीक है, 40 मिनट्स की। ठीक, क्लास ड्यूरेशन 40 मिनट्स की, और उसके बाद है टाइम फॉर कॉपी चेकिंग 15 मिनट्स। ठीक है, ये हमारे पास है 15 मिनट्स। अब हमने जो है ना इसकी जो है ना परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, जो रिक्वायर्ड है, जो कि हमारा काम है, जिसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसकी जो है ना, उसको हमने ऊपर राइट डाउन करना है न्यूमिनेटर में, और टोटल के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह जो है ना वो आपने जो है ना इसकी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 15/40 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 and 5 ये हो गया। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, गेट 75। ठीक है, 75/2 इसको आप डिवाइड कर लें। ठीक है, 75 को 2 पे डिवाइड किया, 2, 3 times 6, 1 and 5 7 times 14 1 पॉइंट लगा इधर 0 एंड 5 times 10। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये हमारे पास आ गया 37.5%। ठीक है, ये हमारे पास टाइम आ गया स्पेंड फॉर कॉपी वर्क। ठीक, पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड करनी है टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी। ठीक है, वो अब रिमेनिंग टाइम है। ठीक है, वो अब पहले रिमेनिंग टाइम है, ये जो है ना इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, ठीक है, टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी जो है उसमें 40 में से हमने माइनस करना है इसको 15 को। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 25। ठीक, ये हमारे पास 25 आ गया। अब परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है, परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड फॉर एक्टिविटी। ठीक है, मैथमेटिकल एक्टिविटी, ठीक है, ये 25 टोटल 40 मल्टीप्लाई बाय 100 25। ठीक है, ये इधर 5 आ गया, ये 5 को आपने 25 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये आ गया 125 डिवाइडेड बाय 2। 125 को 2 पे डिवाइड कर लें, 2, 6 times 12 2, 2 times 4 1.0 इधर एंड 2, 5 times 10
we get 62.5%. Okay, students, and this is the answer of second part. Now, students, this question is solved. Now, students, question number 8. Annie spent 80% of the total earning at a golf course last summer. If she spends rupees 35,000, then find her total earning in golf course. ठीक है, इधर बताया जा रहा है कि उसने जो है ना 80% का अपनी अर्निंग का जो है ना वो उसने स्पेंड की है, और उसकी अगर उसने इतना स्पेंड कर दिया है तो उसकी टोटल अर्निंग क्या है. हमने क्या फाइंड आउट करनी है? टोटल अर्निंग. ठीक है, टोटल अर्निंग हमने फाइंड आउट करनी है. तो फिर हम इसको बोलेंगे एक्स. ठीक है, जो हमें अमाउंट अर्निंग दी, जो उसकी स्पेंडिंग दी गई है, उसी की परसेंटेज दी गई हुई है. ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गई हमारे पास टोटल स्पेंडिंग. अभी टोटल स्पेंडिंग है हमारे पास ₹35,000. ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये परसेंटेज ऑफ जो है ना वो स्पेंडिंग है हमारे पास. ठीक है, ये हमारे पास आ गई 80%. ठीक है, ये हमारे पास आ गई 80%, और ये परसेंट आपने, ये स्पेंडिंग आपके पास आ गई. जी स्टूडेंट्स, परसेंटेज में जो हमारे पास है वो 80% आ गई. ठीक है, अब ये देखें, इसको हम इस तरह राइट डाउन करेंगे 80% ऑफ अर्निंग. ठीक है, यही अर्निंग 80% ऑफ अर्निंग किसके इक्वल है? ₹3,500. ठीक है, रुपीज़ नहीं राइट डाउन करना. ठीक, ये इसके इक्वल है क्योंकि हम कैलकुलेट करने लगे हैं इसको, एक्स को, टोटल अर्निंग को. ये आपको पता है, ये 80 का परसेंटेज का साइन खत्म हो तो ये 100 ऑफ मल्टीप्लाई में ये एक्स और ये 35,000. ठीक है, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ठीक, एक्स की वैल्यू आ गई 35,000 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 80. ठीक, इसरो हो गया, जीरो के साथ जीरो कैंसिल. जी स्टूडेंट्स, हम इसको मल्टीप्लाई करके जो है ना ये इधर राइट डाउन कर लें आप. ठीक है, ये 35,444 आ गए, 30, ये फोर्थ वन. ठीक है, इसको जो है ना वो आप 8 पे डिवाइड कर लें. ठीक स्टूडेंट्स, इसको 8 पे डिवाइड करें, 3, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 8. ठीक है, 8, 4 times 32, ये इधर 3 आया, 7, 0. ठीक, ये इधर आ गया 4, 8, 3 times 20, 28, 2 and 0, 8, 2 times 16 and 4 and 0. ठीक, एंड 8, 5 times 40. ठीक है, ये 1, 0 रह गई, इधर इधर भी 0 ऐड हुआ, इधर भी 0 ऐड हुआ. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, आ गई हमारे पास 4, 3, 2, 5, 0. ठीक है, और ये हमारे पास टोटल अर्निंग आ गई रुपीज़ में. ठीक है, टोटल हमारे पास टोटल अर्निंग आ गई रुपीज़ 4, 3, 2, 0, 5, 0. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड. क्वेश्चन नंबर 9, द 20% ऑफ अ नंबर इज 120, फाइंड द नंबर. ठीक है, अब जो है ना हमने नंबर फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हम इसे लेट कर लेंगे, लेट जो नंबर फाइंड करना है, रिक्वायर्ड नंबर. ठीक है, लेट वो एक्स. ठीक है, अब हमने फाइंड करना है 20% ऑफ अ नंबर. ये इन्होंने हमें दिया गया हुआ है. ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट हमें दी गई हुई है, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120. इसको हमने सॉल्व कर लेना है. 20, इसका परसेंटेज ख़त्म किया 100, मल्टीप्लाई बाय एक्स 120. ठीक है, एक्स 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है, 0 से 0 कैंसल एंड 5. ठीक है, 120 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 0 times 10, 1, 5 1 times 5, 1 6. तो ये एक्स हमारे पास आ गया 600. ठीक फ्रेंड्स, यही हमने फाइंड आउट करना था, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर था. ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व. 10, दी 70% ऑफ अ ट्री इज 3.8 meter, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री. ठीक है, अब टोटल हाइट लेट कर लें. ठीक है, लेट टोटल हाइट, ठीक है, वो एक्स होगी. ठीक, ये इधर इन्होंने बोला हुआ 70
परसेंट ऑफ अ ट्री ठीक है इज 3.8। ठीक, इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 70/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3.8, एक्स 3.8 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 7। ठीक, ये इधर आ गया, इसका ये परसेंटेज का ये पॉइंट ख़त्म किया, ये हमारे पास आ गया 10। ठीक, ये इसके साथ कैंसिल, दोनों ज़ीरो। अब ये 38 को जो है ना वो 7 पे आप डिवाइड कर लें। ठीक फ्रेंड्स, 38 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, ये आ गया 7 × 5 × 35। ये 8 में से 5 माइनस किए 3, पॉइंट लगा 0। 7 × 4 × 28 2 0, ठीक है। 7 × 2 × 14 ये 6, ठीक है, और फिर 0 लगा। ठीक, और 7 × 8 × 56 एंड 4। ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसे ही कॉन्टिन्यू रहेगा। ठीक है, तो फिर जो है ना वो हम एक्स की वैल्यू लिख लेंगे 5.428। ठीक है, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। 20% ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल वर एब्सेंट ऑन अ सर्टेन डे। इफ देयर वर 1200 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ स्कूल ऑन दैट डे, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया, लेट टोटल स्टूडेंट्स एक्स है और नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स जो है ना वो उन्होंने हमें परसेंटेज में दी हुई है। ठीक, और जो दूसरे प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो नंबर में दिए हुए हैं, फाइंड हमने करने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप लेट कर लें, एक्स कर लें। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना ये आपके पास एक्स आ गए, उसके बाद है ना नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। ठीक, ठीक है, ये 20% है, 20% ऑफ एक्स। ठीक है, कि टोटल में से ये 20% एब्सेंट है ना, इस वजह से जो है ना ये हमने राइट डाउन किया 20% ऑफ एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास हो गए 1200। अब हमने जो है ना वो टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट्स जो है ना, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 1200 और 20% ऑफ एक्स। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट में हमने लेट किए हुए हैं एक्स। ठीक है, ये 1200 और ये 20% परसेंट का 100 ये एक्स। ठीक, ये अब एक्स वाली वैल्यूज आप इस तरफ ले जाएं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 20/100 एक्स और ये 1200। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया, इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारे पास आ गया 100 एक्स माइनस 20 एक्स इज इक्वल टू 1200। ठीक है, एलसीएम लिया 100 × 100 और 100 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 100x, ये आ गया 80x/100 1200। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये 100 ऊपर और ये 80 नीचे, ये इसने कैंसिल किया, ये आपके पास आ गया 12000/8। इक्वेशंस की हमने ये 1200 100 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 12000 आ गया, इसको 8 पे हमने डिवाइड किया। ठीक है, ये कैंसिल हो गई, हमारे पास 1500 आ गया, तो एक्स की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 1500। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 इज सॉल्वड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। नाडिया यूज 60 kg ऑफ बनस्पति घी आउट ऑफ 8 kg बनस्पति घी इन द मंथ ऑफ मार्च। ही यूज 7 kg ऑफ बनस्पति घी आउट ऑफ 10 kg बनस्पति घी दी मंथ ऑफ अप्रैल। इन विच मंथ ही यूज मोर घी देन दी अदर। ठीक है, इधर वो बता रहे हैं कि 6 kg जो है ना 8 kg में से उसने यूज़ कर ली है मंथ मार्च के मंथ में, और 7 kg यूज़ किया उसने 10 kg में से अप्रैल के, और वो पूछ रहे हैं किस में उसने ज़्यादा यूज़ किया। इट्स मींस कि हम दोनों की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और फिर बताएंगे कि जी उसने किस में ज़्यादा जो है ना वो यूज़ किया। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑफ
घी, ठीक है, घी लिख लें, टोटल क्वांटिटी ऑफ घी इन मार्च ये है हमारे पास 8 kg, ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ घी यूज्ड इन मार्च, और उसने 6 kg जो है ना वो यूज़ की है, ठीक है, 6 kg यूज़ की है। अब इसकी आप परसेंटेज फाइंड कर लें, ठीक है, परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी, ठीक है, ये आपको पता है जो चीज़ होती है उसको हम ऊपर जिसकी फाइंड आउट करनी है, और टोटल नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 4 और ये 250 आ गया, ठीक है, 225, ठीक है, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें, एंड 2 1 times 2 and 2 3, ठीक है, 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, वी गेट 75%, ठीक स्टूडेंट्स, ये 75% आ गया, आगे आ गया टोटल क्वांटिटी ऑफ घी इन अप्रैल, ठीक है, वो कितना था हमारे पास 10 kg, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ घी यूज्ड इन अप्रैल, ठीक है, वो जो यूज हुआ अप्रैल में वो कितना था 7 kg, ठीक है, परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी इन अप्रैल, ठीक है, ये 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 70%, ठीक है, ये 70% आ गया, हेंस इन मार्च ही यूज्ड मोर घी, ठीक है, ये आ गया, हेंस इन मार्च ही यूज्ड मोर घी, ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ना वो आंसर यही हमने फाइंड आउट करना था कि इसमें उसने ज़्यादा किया, मार्च में 75 था, इस वजह से जो है ना वो मार्च वाला आ गया और ये 70, दोनों की हम परसेंटेज फाइंड करके फिर राइट डाउन कर सकते हैं किसने किस में ज़्यादा यूज़ किया गया, ठीक। Now students, question number 13. In the month of Ramadan, Salim donated rupees 45,000 to charity from his total salary of rupees 4,500 to charity from his total salary of 45,000. Alim donated rupees 60,000 to charity from his salary of rupees 55,000. Who has donated the higher percentage of his monthly salary? ठीक है, किसने ज़्यादा डोनेट किया, ठीक है, ये जो है ना हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अमाउंट डोनेटेड बाय सलीम, ठीक है, ये आपके पास 4500, ठीक है, ये 4500 है, और उसके बाद जो है ना वो टू टोटल सैलरी ऑफ सलीम, ठीक है, ये है रुपीस 45,000, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट, ठीक है, ये इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, 4500 ऊपर और 45,000 नीचे, ठीक स्टूडेंट्स, परसेंटेज फाइंड करनी है 4500 ऊपर और 45,000 नीचे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये कैंसिल 45 से 45, ये हमारे पास आ गया 10%, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास 10% आ गए। अब जो है ना नेक्स्ट आ गया अमाउंट डोनेटेड बाय अलीम, ठीक है, कितनी अमाउंट जो है ना अलीम ने डोनेट की, ये 6,000 है, ठीक है, टोटल अमाउंट उसकी कितनी है, ठीक है, टोटल जो उसकी सैलरी है या अमाउंट है वो है 55,000, ठीक है, परसेंटेज ऑफ डोनेटेड अमाउंट, ठीक है, 6,000 पर एंड 55,000 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 600 का 55 पे डिवाइड कर लेंगे, 55 1 times 55 ये 5 और ये
इधर ज़ीरो लग जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे 50 आ गया। जब इधर ज़ीरो लगाएंगे इधर भी ज़ीरो लग जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये ऐसे हो गया। उसके बाद जो है ना, इसको पॉइंट लगा के हम एक फर्दर ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है। अब ये 55 को जो है ना, वो 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 55 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 9 5 45 5 4 45 एंड 49, ठीक है, हमारे पास आ गया 495, हमारे पास 5 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये इसी तरह जो है ना, ये आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इस पे फिर ज़ीरो इधर लगाएंगे, ये छोटा है, फिर इधर भी ज़ीरो लगा कर एक और, फिर अगेन 9 आ जाएगा, ये ऐसे रहेगा। तो फिर हम इधर आंसर लिख देते हैं 10.91। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये इसने डिनोटेड अमाउंट हो गई, इसकी 10.91 और इसकी थी 10%, ठीक है। तो फिर किसकी ज़्यादा हुई? अलीम, ठीक है। अलीम की जो डोनेटेड अमाउंट है वो ज़्यादा है, यही है, हेंस अलीम डोनेटेड मोर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, इंक्रीज 17 by 85%, व्हाट इज द रिजल्ट। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपकी एग्जांपल की तरह सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई हुई है, इधर के वो बोल रहे हैं कि 17 जो है ना, वो इंक्रीज हुआ है कितना, 85%, और कह रहे हैं इसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक। एन इंक्रीज ऑफ 85% मीन्स फॉर 100 ऑफ दी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। 85% मीन्स का ये बढ़ना का मतलब ये है कि ये जो है ना 100 ऐड हो रहा है जो है ना उसके अंदर, जो है ना 100 ऑफ दी ओरिजिनल वैल्यू, 100 ऑफ दी ओरिजिनल वैल्यू के जो है ना, 100 में जो है ना वो 85 जो है ना, अगर ओरिजिनल वैल्यू 100 है ना, लेट सपोज, तो उसमें जो है ना 85 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फिर इधर आगे आएगा, देर इज एन इंक्रीज ऑफ 85%, ठीक है। फिर कितना इंक्रीज है, 85%, सो टीच 100 इन द ओरिजिनल वैल्यू सो देन हंड्रेड इन दी ओरिजिनल वैल्यू बिकम्स 185 इन द न्यू वैल्यू, ठीक है। फिर ये हुआ कि 100 अगर ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 85 ऐड करते हैं तो हमारी न्यू वैल्यू क्या हो जाती है, 135 जो होती है ना, वो न्यू वैल्यू हो जाती है, ठीक स्टूडेंट्स। तो फिर हम इसको ना ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, देयरफॉर न्यू वैल्यू की रेशियो है ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक, इज इक्वल टू न्यू वैल्यू है हमारे पास 185, ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू है 100, ठीक है। ये न्यू वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये 185/100, और इन फ्रैक्शनल फॉर्म, ये हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लिया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है, न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर ये चेंज हो जाएगी 180, ये जो है ना इस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये 185/100, और जो ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीज ये जो है ना, ये 17 आएगा, ठीक स्टूडेंट्स। इधर जो है ना, वो आप जो है ना, वो 17 जो है ना, वो लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लें, तो वो जो है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा। 185 को जो है ना, वो आप 17 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 5 35, 5 3 7 8 टाइम्स 56 57 58 59 12 5 8 1 14 1 11 1 3 1 4 5, ठीक है। ये इधर आ गया 3 1 4 5 डिवाइडेड बाय 100, इसको 100 पे डिवाइड कीजिएगा, और इसको 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास दो डिजिट्स के बाद पॉइंट
ये दो डिजिट्स के बाद पॉइंट। ठीक स्टूडेंट्स, आपके पास ये न्यू वैल्यू आ गई 31.50। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, डिक्रीज 30/70%, व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, अब इसको जो है ना ऐसे स्टार्ट करना है, और डिक्रीज ऑफ 70% इसका मतलब है 400 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, जो 100 वैल्यू है देर इज अ डिक्रीज ऑफ 70। ठीक है, कि जो ओरिजिनल वैल्यूज में जो है ना डिक्रीज जो है ना वो 70 का हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ईच 100 इन द ओरिजिनल वैल्यू बिकम्स 30 इन द न्यू वैल्यू। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो फिर देयरफॉर न्यू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू है 30, ओरिजिनल वैल्यू है 100। ठीक, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखें तो ये हमारे पास ऐसे आ जाती है। ठीक है, न्यू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, 30/100 और ये आ गया 30/100। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये जो है ना हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, न्यू वैल्यू 30/100 ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, 30/100 ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास 30। ठीक है, ये 30 इसका हमने फाइंड आउट करना है। 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, एंड 3 टाइम्स 9। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, इन द मंथ ऑफ सितंबर सलमा गॉट 15% इंक्रीज इन हर मंथली सैलरी। इफ सलमा इज मंथली सैलरी इज रुपीज 45,000, देन व्हाट इज हिज हर न्यू सैलरी। ठीक है, ये जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, ये बिल्कुल ही उन क्वेश्चन की तरह, इधर इंक्रीज है और उसके बाद जो है ना वो इसकी हमने न्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है वैल्यू। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह ही करेंगे, एन इंक्रीज ऑफ 15% मीन्स के इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी रुपीज 100 ऑफ द ओरिजिनल सैलरी देर इज एन इंक्रीज ऑफ रुपीज 15। ठीक है, कि वो 15 रुपीज से जो है ना ई हाथ जो है ना बढ़ रही। ठीक है, सो ईच रुपीज 100 इन द ओरिजिनल सैलरी बिकम्स 115 इन द न्यू सैलरी। ठीक फ्रेंड्स, फिर इधर आएगा, देयरफॉर हम लिख लेंगे। ठीक है, न्यू सैलरी ओरिजिनल सैलरी, न्यू सैलरी है हमारे पास जो है ना 115, ओरिजिनल है 100। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाती है, न्यू सैलरी ओवर ओरिजिनल सैलरी 115/100। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके पास आ गई न्यू सैलरी 115/100 और ये ओरिजिनल सैलरी इधर जाके से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी जी फ्रेंड्स, और वो है हमारे पास, इसके पास है 45,000। ठीक है, तो ये इधर आ गया 45,000। ठीक है, ये 2 zeros इससे कैंसिल हो गए, 4500 को जो है ना 450 को जो है ना 115 से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 450 115 से मल्टीप्लाई 0 2
20 and 22, ठीक है, 0 5 4 0 5 4, ठीक है, 5 7 5 6 7 8 9 10 11, 1 and 1 5, ये हमारे पास न्यू सैलरी आ गई 5 1 7 5 0, ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है ना न्यू सैलरी आ गई 5 1 7 5 0 रुपीज, ठीक, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. फ्रेंड्स नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17. After 12% of a bill has been deducted, ₹6,536 remains to be paid. How much was the original bill? ठीक है, ये इस तरह स्टार्ट होगा, a decrease of 12% means for every ₹100, ठीक है, of the original price, then there is a decrease of ₹12, ठीक है, i.e. each 100 in the original price becomes, ठीक है, डिक्रीज अगर 12% हो रही है तो जो है ना वो जो ओरिजिनल प्राइस, अगर 100 ओरिजिनल प्राइस है तो जो है ना फिर जो है ना ₹88 जो है ना ऑफ द न्यू प्राइस, ठीक है, देयरफॉर इसको इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, न्यू बिल, ठीक है, रेशो ओरिजिनल बिल, ठीक फ्रेंड्स, ये इधर 88 over 100, ठीक है, जब हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ये न्यू बिल ओवर ओरिजिनल बिल, ये 88 over 100, ठीक, इसी फ्रेंड्स ये हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट डाउन कर लिया, ठीक है, अब हमने जो है ना इधर ओरिजिनल बिल फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओरिजिनल बिल इस तरफ चले गया, ठीक है, ये न्यू बिल, ठीक है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है 100 ऊपर और 88 नीचे एंड ओरिजिनल बिल, ठीक है, ये न्यू बिल है हमारे पास, ये इधर फ्रेंड्स ये न्यू बिल हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये है 6536, ठीक है, न्यू बिल आ गया 6536 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 88 और ये ओरिजिनल बिल, ठीक फ्रेंड्स, इसको जो है ना 6536 00 को आपने 88 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है, इसको 88 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 616, ये हमने माइनस किया 13 में से 6 माइनस किया 7 एंड 4 में से 13 एंड अगेन 6 आ गया, ठीक है, उसके बाद 88 को जो है ना वो आप 4 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है, 8 4 times 2 3 32 33 34 35, ये हमारे पास आ गया 3 5 2, ये 4 7 में से 5 माइनस किए वी गेट 2 एंड आगे 0 आ गया, ठीक है, अब 88 को जो है ना वो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 16 1 16 1 17, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 176, ये इधर सब्ट्रैक्ट किया 4 एंड ये इधर आ गया 3, ठीक है, और ये 3 में से 12 13 में से जो है ना वो आपने 7 माइनस किए वी गेट 6 और ये फिर आपके पास 0 आ गया, ठीक है, इधर आ गया 640, ठीक फ्रेंड्स, ये इधर 640 आ गया 2, अब जो है ना 88 को जो है ना वो आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 56 57 58 61, ठीक है, ये 7 से मल्टीप्लाई करके आ गया 6164 एंड 3 में से 12, ठीक है, ये फिर पॉइंट लगा के आ गया 0, फिर ये 240 आ गया, ठीक है, फिर ये जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करके जो है ना ये 176 आ जाएगा,
ये भी जो है ना ये कॉन्टिन्यू इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, फिर हम इधर तक अपना जो है ना वो आंसर लिख लेते हैं 7427.4। ठीक स्टूडेंट्स, यही हमने ओरिजिनल बिल फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में और ये हमने कर लिया। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, द कॉस्ट ऑफ द बाइसाइकिल इज रेज फ्रॉम 8500 टू रुपीज 10,000, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल। ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि बाइसाइकिल की जो प्राइस है ना वो इधर से जो रेज होकर इतनी होगी, वो कह रहे हैं कि जो है ना इसकी प्राइस जो है ना परसेंटेज इंक्रीज कितना है, कि कितना परसेंट जो है ना वो इंक्रीज हुआ है। ठीक स्टूडेंट्स, ये बात है, हमने परसेंटेज जो है ना इसकी इंक्रीज की जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है वो है हमारे पास 8500 रुपीज़। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है, न्यू प्राइस जो बन गई है वो हमारे पास है 10,000। ठीक है, और इसकी जो है ना परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करनी है, तो अमाउंट इंक्रीज टेन थाउजेंड में से जो है ना वो 8500 को आपने माइनस करना है, वी गेट 1500। ठीक, ये आपके पास आ गया 1500 आ गया। व्हाट इज़ दी परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दी बाईसाइकिल। अब इसकी जो है ना हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, इंक्रीज की जो परसेंटेज है ना उसका फॉर्मूला ये है कि परसेंटेज इंक्रीज जब हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक, इसका ये है इंक्रीज अमाउंट, ठीक, ओवर ओरिजिनल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इंक्रीज्ड अमाउंट है हमारे पास 1500, ठीक, ओरिजिनल है हमारे पास 85 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये दो जीरो इससे कैंसिल हो गया, 1500 को जो है ना वो हम 85 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इसको डिवाइड किया 85 पे। स्टूडेंट्स, ये ए 15 से स्मॉलर है, हम नेक्स्ट डिजिट भी 3 डिजिट्स ले लेंगे। ठीक है, तो 85 वन टाइम्स 85 इसको हमने किया, ये 10 में से 5 आया, ये 5 आ गया और इधर 4 रह गया, 14 में से हमने जो है ना वो 8 माइनस किए, वी गेट 6 एंड देन अगेन 0, 650 आ गया। अब 650 को देख लें, 85 को जो है ना वो 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 35। जी स्टूडेंट्स, ये इसको माइनस किए हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, ये कैरी दे के इधर, इधर 4 रह गया, ये इसने इसको दिया 14 में से, हमने जो है ना उसको 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 14, वी गेट 5, ये हमारे पास 5 आ गया, 550 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है ना आप इसको जो है ना वो 6 से मल्टीप्लाई करके देख लें। ठीक है, 85 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 85 को 6 30, 86 टाइम्स 48 49 50 and 51 510 40, ये ऐसे ही कॉन्टिन्यू रहेगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इधर आ गया 17.6%। ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ इट्स सॉल्व्ड एंड दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। टेक केयर ऑफ सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।